स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से यूपी खबर जानकारी न्यूज में। आज उत्तर प्रदेश के दिन भर से और रात तक की कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें। उत्तर प्रदेश में योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, लिखी तख्ती टांग, थाने सरेंडर करने पहुंचा फरार बदमाश। जी हां दोस्तों, योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, यह बात है मुजफ्फरनगर में। यह संदेश लिखी तख्ती गले में टांगकर मुठभेड़ में फरार हुए बदमाश ने मंसूरपुर थाने में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले बदमाश के दो साथी बदमाशों को मंसूरपुर पुलिस ने दूधा डेही जोहरा मार्ग से गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया है। बड़ी राहत, यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नहीं देना होगा भू उपयोग परिवर्तन शुल्क। जी हां दोस्तों, बड़ी राहत आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने दी है। सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। आरक्षित श्रेणी की भूमि को औद्योगिक भू उपयोग में परिवर्तन कराने पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है। वहीं प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इस संबंध में आज शासन आदेश जारी किया है। इसके साथ ही जमीन लेने के लिए संख्या देने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। यूपी में मई से होगी भीषण गर्मी, जिलों को किया गया अलर्ट, दिए गए ये निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मई में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंचने के अनुमान को देखते हुए राहत आयुक्त कार्यालय ने जिलों को अलर्ट भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि लू और गर्मी से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम कराए जाएं, लोगों को जागरूक करने के लिए लू से बचे और बचाएं हिंदी कार्टून फिल्में भी दिखाए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जिलों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया है। प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि लू से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की स्थापना की अनुमति तय समय में मिलेगी, एसओपी भी जारी। जी हां, यूपी सरकार ने प्रदेश में निजी क्षेत्रों में एमएसएमई औद्योगिक पार्कों की स्थापना की अनुमति देने के लिए समितियां बना दी हैं। जिला समिति और प्लेल सेल 7-7 दिन में अपनी संस्तुतियां देंगी। इसके आधार पर प्रदेश स्तर पर बनी राज्य स्तरीय समिति लेटर ऑफ कंफर्म जारी करेगी। इसके लिए आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी आज से 3 दिन की हड़ताल पर, देश भर में हड़ताल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिजली कर्मियों की 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बरकरार है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौतों की शर्तें न माने जाने का विरोध में आज 10 बजे से फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। रात्रि को हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। वहीं ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने यह चेताया है कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करने व कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी विद्युत वितरण कंपनियों में हड़ताल के दौरान छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। साथ ही दोस्तों, प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहीं मंडलायुक्त व डीएम विद्युत व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी वालों, 14 जून तक फ्री में मिलेगी आधार की ये सर्विस, लाखों यूजर्स को बड़ा फायदा। जी हां, आधार कार्ड यूज करते हो तो ये खबर आपके बड़े काम की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अपडेट करने की सुविधा दे दी है। इससे पहले ही लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेजों को अपडेट कराने के लिए ₹25 का भुगतान करना पड़ता था। बताने की जारी बयान में आज कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निवासियों को अपने आधार दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का फैसला किया है। यूपी नगर निकाय चुनाव, लखनऊ व शाहजहांपुर मेयर सीटों के आरक्षण पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, आज नगर विकास विभाग द्वारा लखनऊ और शाहजहांपुर की मेयर सीटों के आरक्षण पर आई सर्वाधिक आपत्तियां भी सवालों के घेरे में हैं। इसको लेकर भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने सवाल उठाए हैं। सूत्र बताती है कि लखनऊ और शाहजहांपुर के प्रस्तावित आरक्षण पर सबसे ज्यादा आपत्तियां थी। लखनऊ को लेकर इस बात पर आपत्तियां आई थी कि यह सीट अनारक्षित श्रेणी में कई बार रही है, फिर दूसरे वर्गों के लिए क्यों नहीं आरक्षित हो रही, यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लोगों को आखिर प्रतिनिधित्व का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं बता दे तो शाहजहांपुर को लेकर आपत्ति इस बात पर थी, यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे हैं और सीट अनारक्षित कर दी गई है, जबकि चक्रानुक्रम की प्रक्रिया तो आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व के साथ ही शुरू होती है।
यूपी में सरसों तेल की लागत 115 रुपए पर बिक रहा 160 रुपए लीटर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सस्ते आयातित खाद्य तेलों की भरमार के बीच केंद्र सरकार के देश के सरसों किसानों की फसल खरीदने के लिए राज्य सरकारों को कहने की वजह से सरसों तेल तिलहन के दाम में मामूली सुधार कर दिया है, लेकिन अभी भी सरसों अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10% नीचे ही है। सरकार ने सूरजमुखी का MSP सब खाद्य तिलहन के मुकाबले सबसे अधिक बढ़ाकर 6,400 रुपए क्विंटल कर दिया है। सरसों का MSP 5,450 रुपए क्विंटल हो गया है। मौजूदा स्थिति को देखें तो MSP बढ़ाने के बावजूद उत्पादन कैसे बढ़ेगा जब देसी तेल तिलहनों का बाजार ही नहीं बनेगा। 13 करोड़ लोगों का रद्द हो रहा है पैन कार्ड, अगर 31 मार्च तक नहीं कराया है आधार से लिंक। जी हाँ दोस्तों, देश में अब 61 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, इनमें से 48 करोड़ पैन कार्ड धारक अब तक आधार से जुड़ चुके हैं। 1,000 रुपए पेनाल्टी के साथ आधार से पैन को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है, यानी इस दिन तक बचे हुए 13 करोड़ पैन कार्ड धारक अगर आधार से लिंक नहीं कराए तो उनका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर आधार और पैन एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। आज काशी आए हुए हैं चीन के मंत्री, SCO देशों के पर्यटन मंत्रियों की होगी बैठक, बनाई जा रही है नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, भारत की अगुवाई में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज काशी में हो रही है, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। वहीं चीन के उप पर्यटन मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल आज काशी पहुंचे हुए हैं। वहीं CEO देश के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक दूसरे दिन यानी आज भी जारी रही। कानपुर में धर्म के धंधेबाजों का सिंडिकेट क्रिश्चियन बनने पर 4,000 से 30,000 हर महीने देते हैं, ब्रेन वॉश के लिए बच्चों की छठी भी मनवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में धर्म के धंधेबाजों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है कि धर्मांतर करने वाले सिंडिकेट का नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक ही नहीं, ये प्रयागराज फतेहपुर समेत कई जिलों में फैला हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्यों में भी नेटवर्क है, विदेश से फंडिंग के सबूत भी आज मिले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें तो धर्मांतर कराने वाले धंधेबाज लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, शुरुआत के लोगों को 4,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, धीरे धीरे ये रकम बढ़ाते जा रहे हैं और पूरा धर्मांतरण करने के बाद 30,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आज लखनऊ में फिर प्रदर्शन, SCERT का घेराव। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है, प्रदर्शन किया था लेकिन उन्हें कहीं से कोई उचित आश्वासन व निदान नहीं मिल रहा है। आक्रोशित अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आज एक बार फिर से SCERT का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में कोल्ड स्टोरेज की 100 फीट लंबी छत ढही, 25 से ज्यादा लोग दबे होने की आशंका, अमोनिया के डर से एरिया खाली कराया गया। जी हाँ दोस्तों, संभल में बड़ा दुर्घटना हो गया है, यहाँ AR कोल्ड स्टोरेज की छत ढह गई। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबने होने की आशंका है। मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, बुलडोजर और JCB से मलबा हटाया जा रहा है। बदायूं और संभल में DM और SP समेत कई अफसर भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। NDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे 4 लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया है, उनको चंदौसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में मिले 20 नए संक्रमित, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा मामले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस की कुल संख्या 61 हो गई है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मामला, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र, कहा मानक तय आवाज वाले स्पीकर हटाए जा रहे। जी हाँ दोस्तों, लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने पत्र लिखकर मुख्य सचिव से कहा कि रमजान का महीना 23 मार्च से शुरू हो रहा है, वहीं कई जिलों से शिकायत आ रही है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित आवाज की समय सीमा होने के बावजूद कई जगह मस्जिदों से स्पीकर पुलिस के द्वारा उतारा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आवाज की समय सीमा में लगे हुए लाउडस्पीकर को मस्जिदों से ना उतारा जाए। दारुल उलूम फरंगी महली के सुफियान निजामी ने भी बयान जारी करके यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात को जायज ठहराया है।
उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक के नाम पर 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, न देने पर उमेश पाल जैसा हस्त्र करने की दे रही है धमकी। जी हां दोस्तों, माफिया अतीक अहमद का नाम लेकर खादी ग्राम उद्योग के पूर्व उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने 60 लाख की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आ रहा है। रंगदारी न देने पर कॉल करने वाले ने प्रयागराज के उमेश पाल जैसे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वही नटवर गोयल ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस सर्विलांस की मदद से आरोपी के बारे में पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश में जनता की अदालत में एलडीए अफसर ने बुजुर्ग फरियादी को जड़ा थप्पड़, गाल के पास मांस फटा। जी हां, एलडीए की जनता अदालत में आज ऐशबाग निवासी बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके कान से खून निकल गया है। बुजुर्ग के अनुसार वह पिछले करीब 19 साल से अपने मकान पर कब्जे को लेकर एलडीए में संघर्ष कर रहा है, इसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इस पर वह एलडीए की जनता अदालत में अपनी फरियाद लेकर आया था। अधिकारियों से जब वो अपनी बात कर रहा था तो इस मौके पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।